हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू सिटी ऑनलाइन क्लासेस, दिस इज़ अंजलि सिंह एंड आई एम टीचिंग यू मैनेजिंग ह्यूमन रिसोर्सेज सेमेस्टर फोर्थ यूनिट फोर्थ एंड लेक्चर ट्वेल्थ सो आज का टॉपिक हमारा क्या है ग्रुप इंसेंटिव सो लास्ट लेक्चर था हमारा उसमें हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था जो हमारा इंडिविजुअल इंसेंटिव प्लान था वो डिस्कस किया था ठीक है जिसमें हम लोगों ने डिफरेंट टाइप्स के मेथड्स पढ़े थे दैट इज़ रोवन प्लान हालसी प्लान एंड टेलर्स प्लान है ना गैन प्लान तो डिफरेंट टाइप्स के हम लोगों ने मेथड्स कर के जो लेक्चर था हमारा उसमें डिस्कस किया था सो so, आज हम लोगों को क्या डिस्कस करना है दैट इज़ ग्रुप इंसेंटिव ठीक है आज हम लोग अपने इस लेक्चर में ग्रुप इंसेंटिव के बारे में डिस्कस करने वाले हैं सो ग्रुप इंसेंटिव सिस्टम प्लान्स की अगर हम बात करें तो मैनी इंडिविजुअल इंसेंटिव प्लान्स कैन बी एडॉप्टड फॉर ग्रुप यूज़ द वर्कर ग्रुप प्लान आर अ गुड एग्जाम्पल है ठीक है तो क्या है बहुत सारे आपके इंडिविजुअल इंसेंटिव प्लान हैं जो कि अडोप्ट किए जाते हैं किस चीज़ के लिए ग्रुप यूज़ के लिए ठीक है तो अंडर द वर्क ग्रुप प्लान ऑर्डनरी टाइम वेज इज पेड अप टू ग्रुप स्टैंडर्ड आउटपुट एंड अबब दिस ग्रुप एफिशिएंसी इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडेड द स्टैंडर्ड आर्स फॉर द जॉब बाय द एक्चुअल आर्स वर्क एंड ईड्स एंड एफिशिएंसी फिगर्स अबब हंड्रेड परसेंट विच इज मल्टीप्लाइड बाई इच इंडिविजअल ग्रुप मेम्बर्स टाइम रेट टू गेट द एक्चुअल अर्निंग है ठीक है तो आपका क्या है अगर हम इसकी बात करें ग्रुप इंसेंटिव की बात करें तो इसमें क्या है जो इंडिविजुअल्स हैं ठीक है थीके? जो ग्रुप इंडिविजुअल्स की अगर हम बात करें ग्रुप प्लान्स की तो उसमें क्या है जो ग्रुप मेंबर्स होते हैं उन्हें एक 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 फ़िक्स वेजेस तो मिलती ही मिलती है ठीक है उसके साथ में क्या होता है जो फिर बाद में क्या होता है उनकी जो ग्रुप है उस ग्रुप की एफिशिएंसी को कैलकुलेट किया जाता है और उसके अकॉर्डिंग उसके बेस पर उन्हें क्या किया जाता है एक्स्ट्रा जो है इंसेंटिव प्रोवाइड किया जाता है सो एंड ऑब्जर्व बाई डी डब्ल्यू बेच बेल्चर अ वर्क ग्रुप इंसेंटिव एज दिस कैन बी एन इफेक्टिव मोटिवेटिंग फोर्स वन दर्क ऑफ वेरियस ग्रुप मेम्बर्स इज इंटरलॉकिंग ठीक है तो आपका क्या है इन्होंने बोला जो आपके डी डब्ल्यू बेल्चर थे उन्होंने बोला कि जो ग्रुप इंसेंटिव है एज दिस कैन बी एन इफेक्टिव मोटिवेटिंग फोर्स यह आपका क्या है एक एक अच्छा मोटिवेटिंग मतलब क्या है प्रोत्साहन का एक अच्छा एलिमेंट हो सकता है ठीक है एक यंत्र हो सकता है जिसके जिसके जिसकी सहायता से क्या है जो आपके क्या है, जो जो इम्प्लॉयज़ हैं ठीक है थीके? जो वर्कर्स हैं है ना उन्हें क्या है ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहित किया जा सकता है सो द वर्क ऑफ वेरियस ग्रुप मेंबर्स इज़ इंटरलॉकिंग मेंबर्स इज़ स्टेबल विद लिटिल टर्न ओवर एंड द ग्रुप कम्स अ सर्टेन अचीवमेंट्स कोहेसिवनेस है ठीक है सो so, जिसमें फर्स्ट आपका क्या है जो मेथड है उसमें दैट इज़ आपका क्या है लिंक द लिंकन प्लान है फर्स्ट कौन सा है लिंकन प्लान है तो उसके हम देखते हैं क्या है इसमें सो दिस प्लान इज मोडिफाइड इंडिविजुअल पीस रेट इंसेंटिव प्लान विद अ गारंटी डे डेट डे रेट है सॉरी ये रेट नहीं है बल्कि डे रेट है एंड इट इम्फोसिस टीम वर्क एंड एम्प्लॉयज दिस कॉरपोरेशन ठीक है तो इसमें एक बात करें जो आपका लिंकन प्लान है ये क्या है ये एक मोडिफाइड प्लान है ठीक है आपका एक मोडिफाइड या फिर कह लें हम अगर तो क्या है एक रूपांतरित जो है फॉर्म है किसका इंडिविजुअल पीस रेट इंसेंटिव का ठीक है तो व्यक्तिगत जो पीस रेट इंसेंटिव प्लान था उसका एक क्या है रूपांतरित फॉर्म है कौन सा आपका ये जो है लिंकन प्लान ठीक है तो इसमें क्या होता है गारंटिड जो रेट है वो मिलता ही मिलता है वर्कर को एक गारंटिड रेट मिलता है मतलब कि पहले से क्या है एक रेट जो है वो फिक्स किया गया है उनको गारंटी दी जाती है कि वो रेट उनको मिलेगा ही मिलेगा ठीक है और साथ में क्या है कि को जो है ये कोशिश की जाती है उनके अंदर एक फीलिंग जनरेट करने की कोऑपरेशन की फीलिंग की वो मिलजुल कर क्या करें काम करें सो द कोपोरेटिव फीचर ऑफ द प्लान ऑन अकाउंट ऑफ विच इट मस्ट बी कंसिडर्ड बेसिकली अ ग्रुप अप्रोच इंक्लूडिंग एक्सटेंसिव एम्प्लॉय स्टॉक ओनरशिप है ठीक है तो आपका जो कॉरपोरेटिव फीचर है इस प्लान का वो क्या है कि ये कंसिडर करता है बेसिकली एक ग्रुप अप्रोच जिसमें क्या है जो एक एक्सटेंसिव एम्प्लॉय स्टॉक ओनरशिप होती है अजिबल प्रॉफिट शेयरिंग बोनस एट द ईयर एंड इसमें क्या है आपके जो ग्रुप हैं वो कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं उसके बेसिस पे क्या होता है एंड में जो आपका ईयर का एंड होता है तो ईयर के एंड में उन्हें क्या किया जाता है जो प्रॉफिट होती है वो उनके साथ शेयर की जाती है सो एन एम्प्लॉय एडवाइजरी बोर्ड एक्सरसाइजिंग कंसिडरेबल इन्फ्लुएंस अपॉन कंपनी पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स एंड अ सजेशन सिस्टम इल्डिंग कंसिडरेबल मोनिट्री रिवॉर्ड्स है तो आपका क्या है जो आपके एम्प्लॉय एडवाइजरी बोर्ड थे उन्होंने क्या हुआ काफ़ी सारी जो है पॉलिसीज़ को कंसिडर किया और उन्हें सजेस्ट किया क्या का मोनिट्री रिवॉर्ड्स को ठीक है उन्होंने मोनिट्री रिवॉर्ड्स को सजेस्ट किया तो सिंस द बोनस इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट रेटिंग सिस्टम विच एम्फेसिस कोऑपरेशन है ठीक है तो जो बोनस है वो क्या है वो किसके बेस पे डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा था मेरिट रेटिंग सिस्टम के बेस पे तो जिसके वजह से क्या हुआ कि एम्प्लॉयज़ के अंदर जो कोऑपरेशन की फीलिंग थी वो काफ़ी ज़्यादा जनरेट होने लगी सो जॉब नॉलेज एंड क्वालिटी एज वेल एज़ क्वान्टिट्टी ऑफ वर्क है ठीक है तो उसके साथ साथ में क्या था कॉरपोरेशन की फीलिंग तो होनी ही चाहिए थी साथ में क्या था कि जो ग्रुप था जो टीम थी उन्हें जॉब की नॉलेज होनी चाहिए थी उनका जो वर्क था उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए थी और साथ ही साथ कोंटिटी भी होनी चाहिए थी मतलब क्वालिटी कोंटिटी नॉलेज है ना कॉरपोरेशन ये सारी जो चीज़ें थी वो कंसिडर की जा रही थी मेरिट के लिए मेरिट रेटिंग के लिए तो दोस्ट हु कॉन्ट्रीब्यूट मोस्ट इफेक्टिवली टू कम कंपनी गोल्स गेट हाइस्ट रिवॉर्ड्स तो वो टीम मेम्बर्स वो ग्रुप जो सब जो वो ग्रुप जो सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे थे सबसे ज़्यादा इफेक्टिवली कंट्रीब्यूट कर रहे थे कंपनी की गोल्स को अचीव करने में ठीक है उनको सबसे हाइस्ट रिवॉर्ड मिल रहा था सो so, जो नेक्स्ट मेथड है आपका वो क्या है द स्केनलर प्लान है ठीक है जो नेक्स्ट मेथड है आपका वो क्या है स्कैनर प्लान है तो इसमें क्या है दिस प्लान ऑपरेटेड एट द प्लांट और कंपनी लेवल है ठीक है ये जो आपका प्लान है वो कहाँ पे ऑपरेट होता है आपके प्लांट या फिर कंपनी लेवल पे होता है एज अ मीन्स ऑफ अचीविंग यूनियन मैनेजमेंट कॉरपोरेशन टूवर्ड द गोल ऑफ इंक्रीज प्रोडक्टिविटी है ठीक है तो so, वो किस लिए यूज़ किया जाता है कि जो मैनेजमेंट है मॉन मैनेजमेंट का जो कॉरपोरेशन है ठीक है किसके लिए जो आपकी इंक्रीज प्रोडक्टिविटी है मतलब कुल मिला के देखें तो प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करने के लिए जो मैनेजमेंट को एक अच्छा कॉपरेशन uh, के लिए एक टीम चाहिए होती है कॉरपोरेटिव टीम चाहिए होती है उसको जो है बनाने में ये क्या करता है ये प्लान हेल्प करता है तो द इंसेंटिव फीचर ऑफ द प्लान इज़ अ बोनस दैट इज़ पेड मंथली टू गेन देनिफिट्स ऑफ रिवॉर्ड्स एंड विच इज़ कैलकुलेटेड फ्रॉम सेविंग इन लेबर कॉस्ट है ठीक है तो जो इंसेंटिव थे ठीक है जो इंसेंटिव कहें अगर हम जो जो कह सकते हैं इंसेंटिव को अगर हम हिंदी में कहें तो जो लाभ है ठीक है जो लाभ का फीचर था इसमें ठीक है एक फीचर है लाभ का वो क्या है इस प्लान का तो वो क्या है इसमें जो लाभ है वो किसके फॉर्म में मिलता है बोनस के फॉर्म में मिलता है ठीक है अगर हम लाभ की बात करें तो वो किसके फॉर्म में मिल रहा होता है बोनस के फॉर्म में मिल रहा होता है जिसका जो भुगतान है वो किसके बेसिस पे किया जाता है मंथली बेसिस पे ठीक है कि हर महीने आप कितना गेन कर रहे हैं कितना आप कमा रहे हैं हर महीने जो कंपनी है वो कितना गेन कर रही होती है ठीक है कितना अर्न कर रही होती है उसके बेसिस पे जो उसके बेनिफिट्स होते हैं जो उसके लाभ है हर महीने कंपनी का कितना लाभ है उसके बेस पे और उसमें जो जो एम्प्लॉय है ठीक है उसमें जो कर्मचारी है वो कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है है ना उसके आधार पे उसे क्या किया जाता है रिवॉर्ड पे किया जा रहा होता है जितना वो अपना जो लेबर होगा उसने जितनी कॉस्ट को बचाया होगा ठीक है जो लेबर ने जितनी कॉस्ट को बचाया होगा जितना कॉस्ट कम किया होगा उसके आधार पे उसे क्या किया जाता है उसे लाभ प्रदान किया जाता है सो स्टैंडर्ड रेशो ऑफ टोटल लेबर कॉस्ट टू सेल्स वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन इज डेवलप्ड फ्रॉम पास्ट रिकॉर्ड्स एंड एवरी मंथ करेंट डेटा आर कंपेयर्ड अगेंस्ट दिस रेशो टू डिटरमाइन सेविंग आउट विच एटी परसेंट गोज इंटू डायरेक्ट बोनस एंड ट्वेंटी परसेंट इन हेल्प ऑफ कवरिंग डेफिसिट पीरियड है ठीक है तो हर महीने क्या होता है स्टैंडर्ड रेश टोटल लेबर कॉस्ट टू सेल्स वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन है ठीक है तो हर मंथ के लास्ट में क्या होता है आपका जो आपका क्या है जो स्टैंडर्ड रेशो है किसका टोटल लेबर कॉस्ट का और सेल्स वैल्यू का वो क्या क्या है कैलकुलेट किया जाता है और जितना क्या होता है टाइम जो सेव हुआ होता है ठीक है या जितनी कॉस्ट आपकी सेव हुई होती है उसका एटी परसेंट क्या कर दिया जाता है डायरेक्टली पे कर दिया जाता है किसको वर्कर को एज़ अ बोनस एंड ट्वेंटी परसेंट रख लिया जाता है किस चीज़ के लिए डेफिसिट पीरियड्स को कवर करने के ठीक है तो कुछ बच्चों को था कि उन्हें हिंदी में चाहिए था ठीक है तो मोस्ट ऑफ़ जगह आप लोगों ने देखा होगा कि जो एक्सप्लेनेशन होता है वो मैं हिंदी में ही देती हूँ तो आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा फिर भी मैं आज कोशिश कर रही हूँ कुछ हिंदी जो हिंदी के जो वर्ड्स हैं उनको यूज़ करने का ठीक है तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर कह सकते हैं कि आपका एक स्टैंडर्ड रेशो ठीक है रेशो जो है वो क्या किया है जो है रेशो की गणना की जाती है किसके बेस पे जो आपका जो लेबर का लेबर की जो कॉस्ट होती है ठीक है जो लेबर की कॉस्ट है और आपकी क्या है जो आपकी सेल्स है ठीक है जो सेल्स वैल्यू है उसके बीच उसका उन दोनों का क्या है एक रेशो कैलकुलेट किया जाता है गणना की जाती है फिर उसके बाद में जो पास्ट का रिकॉर्ड होता है मतलब पिछले जो सालों पिछले महीने में क्या किया गया है और जो अभी करंट का आपका जो डेटा है ठीक है और अभी जो आपका करेंट का डेटा है जो इस महीने का डेटा है उन दोनों को कंपेयर किया जाता है मतलब ठीक है उन दोनों को क्या की जाती है तुलना की जाती है और उसके आधार पर यह देखा जाता है कि कितना जो है इस जो आप करंट ये मंथ था उसमें कितना जो लेबर कॉस्ट है वो बचाया गया ठीक है कितनी ज़्यादा आपकी जो जो लेबर का खर्च था वो बचाया गया है कॉस्ट को बचाया गया है जो तो जो बचा हुआ कॉस्ट होगी उसका क्या किया जाएगा बची हुई कॉस्ट का जो अस्सी प्रतिशत होगा वो क्या कर दिया जाएगा कर्मचारियों के बीच में बोनस की तरह भुगतान कर दिया जाएगा और उसका बीस प्रतिशत क्या किया जाएगा रख लिया जाएगा कंपनी रख लेती है जो पिछले का सालों का घाटा रहा होगा जो पिछले महीनों का घाटा रहा होगा उनको पूरा करने के लिए तो एंड इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ दिस प्लान इज़ इट्स एम्फेसिस ऑन सजेश फॉर इंक्रीज एफिशेंसी विच आर इवेलुएटेड बाई अ कॉम्प्लेक्स कमिटी स्ट्रक्चर गिविंग द यूनियन एंड मैनेजमेंट इक्वल रिप्रेजेंटेशन है तो इस प्लान जो प्लान है इसका एक सबसे अच्छा फीचर ये होता है कि ये क्या है ये ध्यान देती है किसके ऊपर फोकस करती है किसके ऊपर जो एम्प्लॉय हैं जो कर्मचारी हैं उनकी एफिशिएंसी को उनकी क्षमता को इनक्रीज़ करने में ठीक है उनकी जो क्षमता है उनकी जो क्षमता को बढ़ाने के लिए क्या के ऊपर जो है ध्यान आकर्षित करती है कैसे उनको इवेलुएट करती है ठीक है टाइम टाइम उनका क्या है मूल्यांकन करती है और उसके साथ में एक अच्छा स्ट्रक्चर बनाती है यूनियन और मैनेजमेंट को एक इक्वल रिप्रेजेंटेशन के साथ में जिससे क्या है जो कर्मचारी हैं उनकी एफिशियंसी और उनकी क्षमता क्या हो और ज़्यादा इम्प्रूव हो सके और ज्यादा अच्छी हो सके द प्लान दस इंफेसिस पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट एंड ज्वाइंट प्लानिंग बिटवीन द कंपनी एंड द यूनियन ऑल दो एन सेम तो जो प्लान होता है यहाँ पे क्या है इसमें कोशिश की जाती है पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट की एंड ज्वाइंट प्लानिंग बिटवीन द कंपनी एंड द यूनियन की तो पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट की यहाँ बात करी जा रही है ठीक है मतलब कि यहाँ पे क्या है कि जो है जो वर्कर होंगे मतलब जो कर्मचारी हैं और जो क्या है प्रबंध है प्रबंधन है उन दोनों लोग प्रबंधक हैं जो कर्मचारी और जो प्रबंधक हैं वो मिल करके क्या करते हैं प्लानिंग करते हैं ठीक है और उसके साथ में जो है वो क्या करते हैं फिर आगे का काम करते हैं तो ऑल दो ऑल दो इन सम केसेस द प्लान हैज बिन सक्सेसफुल टू वेरिंग डिग्रीज देयर आर इंसिडेंस वेयर इट हैज़ बीन ट्राइड एंड हैज फेल्ड है ठीक है तो बहुत सारे क्या हैं जो डिग्रीज में ये जो प्लान था वो सक्सेस हुआ है बट कुछ जगह पर क्या हुआ है ये फेल भी हुआ है तो इट इज़ डिफिकल्ट प्लान टू तो कोट तो इन टू इफेक्ट एंड टू मेनटेन बिकॉज इट इन्वॉल्व्स कॉम्प्लेक्स चेंजेस इन द सोशल स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन प्लाट एंड यूनियन रिलेशनशिप है ठीक है तो कह रहे हैं ये इट इज़ अ डिफिकल्ट प्लान ये क्या है एक डिफिकल्ट प्लांट होता है कि उसको इंप्लीमेंट करने में ठीक है एक डिफिकल्ट प्लान है क्योंकि इसकी इंप्लीमेंटेशन में क्या होती है थोड़ी डिफिकल्टीज होती हैं बिकॉज यहाँ पे क्या है कि जो आपके जो ऑर्गेनाइजेशन जो मैनेजमेंट हैं एंड जो यूनियन है उनकी जो एक रिलेशनशिप होती है एक बेटर रिलेशनशिप को मैंटेन करने की बात करी गई होती है तो इसको क्या करना है इम्प्लीमेंट थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है तो ये इसके अगर हम हिंदी में देखें तो क्या है तो ये थोड़ा सा जटिल काम हो जाता है ठीक है ये थोड़ा जटिल प्लान है इसको न, 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 इम्प्लीमेंट uh, करना क्योंकि क्या होता है कि जो आपके ऑर्गेनाइजेशन होते हैं मतलब जो संस्था है और आपके जो यूनियन है जो आपका क्या है यूनियन मतलब जो uh, कर्मचारी संघ होते हैं ठीक है थीके? जो संस्था हैं और जो कर्मचारी संघ हैं उनके बीच में जो एक अच्छा संबंध बनाने की कोशिश करी गई है उस इस प्लान में तो उसके लिए क्या करता है? करना है कि जो पूरा सामाजिक स्ट्रक्चर है ठीक है जो सामाजिक स्ट्रक्चर है वो पूरा उसमें पूरा का पूरा चेंज करना पड़ेगा पूरा परिवर्तन लाना पड़ेगा इसलिए क्या इस प्लान को इम्प्लीमेंट करना लागू करना थोड़ा सा क्या हो जाता है डिफिकल्ट हो जाता है थोड़ा मुश्किल हो जाता है नेक्स्ट अगर हम देखें तो हम मेरिट्स की बात करें मेरिट्स ऑफ इंसेंटिव प्लान मतलब यहाँ पे क्या है जो कौन कौन से गुड़ होते हैं इंसेंटिव प्लान उनकी बात की जा रही है तो इंसेंटिव प्लान एवरी मोमेंट्स और यूनिट ऑफ टाइम एक्वायर्स

जो क्या है एक पैसे के फॉर्म में जो लाभ मिलता है उसकी बात करी गई है एक अच्छी पंक्चुअलिटी मतलब आप कितनी अपने काम के प्रति आप कितना ज़्यादा पंक्चुअल रहते हैं मतलब टाइम पे आना समय पे आना होता है कितने अटेंशन आप कितना ज़्यादा अटेंटिव होकर के मतलब कि आप कितना ध्यान रख करके काम कर रहे होते हैं ठीक है तो ये सब चीज़ें क्या हैं इसमें एक अच्छे डिसिप्लिन और एक एम्प्लॉय मुराल में क्या होती है इससे इंक्रीज़ होता है सो फर्दर अंडर इंसेंटिव प्लान ह्यूमन इंजूनिटी इज लाइक टू गेट फुल स्कोप फॉर फाइंडिंग बेटर मेथड्स और टेक्निक्स एसेंशियल फॉर हायर प्रोडक्टिविटी एंड देयर फॉर इंडिविजअल्स वर्किंग अंडर सच अ सिस्टम में कम फॉरवर्ड विद न्यू आइडियाज एंड सजेशन इवन विदाउट अ फॉर्मल सजेशन स्कीम इन दर्गेनाइजेशन है तो क्या है आपके जो इंसेंटिव प्लान्स हैं उसमें जो ह्यूमस होते हैं वो क्या है उनका बहुत अच्छा स्कोप होता है कि वो एक अच्छा मेथड एक अच्छी टेक्निक और एक जो है उसको ढूंढ सकें उसको स्कोप रहता है कि उसको फाइंड करने का फॉर हायर प्रोडक्टिविटी किस चीज़ के लिए जो प्रोडक्टिविटी है उसको काफ़ी और ज़्यादा इंक्रीज़ करने के लिए एंड देयर फोर जो इंडिविजुअल्स हैं वो क्या हैं उनकी जो वर्किंग होती है वो एक ऐसे कंडीशन में होती है एक ऐसे सिस्टम में होती हैं जो उनके क्या हैं जो उन्हें और आगे ले जाते हैं कुछ न्यू आइडियाज़ प्रोवाइड करते हैं कुछ न्यू सजेशन देते हैं एंड फॉर्मल सजेशन देते हैं जिससे कि क्या है जो ऑर्गेनाइजेशन है उनकी जो वर्किंग्स होती है उनकी जो परफॉर्मेंस होती है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाती है सो अब ऑल द सिस्टम ऑफ पेमेंट इज लाइकली टू ईल्ड लेस कॉस्ट पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन टूअर्ड्स वर्क परफॉर्मेंस टू द बेस्ट ऑफ देयर कैपेबिलिटीज़ बाय रिलेटिवली बेटर ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट दैट जनरेट अस डिसिन गुड विल कारपोरेशन एज वेल एज बिलोंगिंगनेस अमंगस है तो अबब ऑल जितनी साइज मेरिट्स आपकी बताई गई इसके साथ में आपका जो इंसेंटिव सिस्टम है पेमेंट का वो क्या है वो ईल्ड less by 8 टू पर इल्डलेस परल्डलेस कॉस्ट पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन होता है तो जो वर्कर्स हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं अपने वर्क परफॉर्मेंस की तरफ है ना अपनी पूरी जो कैपेबिलिटीज होती हैं उसको बेस्ट वे में यूज़ करते हैं ठीक है बाय वर्क किस कैसे आप जो ऑर्गेनाइजेशन के जो क्लाइमेट है उसके उससे मिल कर के काम करने की एंड जो जनरेट करती हैं क्या सेंस ऑफ डिसिप्लिन उनके अंदर डिसिप्लिन की जो सेंस है वो जनरेट करती हैं गुडविल कारपोरेशन की जो फीलिंग है वो जनरेट करती हैं बिलोंगिंगनेस की अमंग दा वर्करस ठीक है तो जो वर्कर्स हैं उनके बीच में भी क्या होता है एक अच्छा रिलेशनशिप जनरेट होता है सो अवेलेबल रिसर्च रिसर्च एविडेंस सजेस्ट दैट ऑन द होल इंसेंटिव प्लान्स हैव रिजल्टेड इन इंक्रीज्ड आउटपुट एंड रिड्यूस्ड कॉस्ट है ठीक है तो अगर हम प्रॉब्लम्स की बात करें एंड डिमेलिस की बात करें इंसेंटिव प्लान्स की तो थोरोटिकली इंसेंटिव प्लान रिप्रेजेंट आर साउंड टेक्निक मोटिवेटिंग वर्कर्स टू कॉन्ट्रीब्यूट एट दियर बेस्ट वे वेन दे आर ऑफर्ड मॉनिटरी रिवॉर्ड्स फॉर गुड परफॉर्मेंस थियोरेटिकली देखें तो क्या है कि ये जो आपके जो इंसेंटिव प्लान हैं वो एक अच्छा मोटिवेटिंग फैक्टर की तरह काम करते हैं अगर क्या है जो वर्कर्स हैं उन्हें मोनिट्री रिवॉर्ड जो है वो पे किया जा रहा होता है तो इन प्रैक्टिस एज वेल एल ऑर्गेनाइजेशन कंपनीज एंड एम्प्लॉई हैव बीन बेनिफिटेड बोथ डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली थ्रू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वेरियस इंसेंटिव प्लान इन मैनी वेज हैं तो अगर इन प्रैक्टिस में देखें तो आपका क्या है जो आपके इंप्लॉयज़ होते हैं वो डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली बहुत सारे वे से क्या है उन्हें बहुत सारा जो है बेनिफिट मिलता है फॉर एग्ज़ाम्पल द नीड फॉर स्ट्रिक्ट एंड क्लोज सुपरविजन इज रिड्यूस्ड क्या होता है इससे कि जो जो आपके जो एक एक स्ट्रिक्ट सुपरविजन की जो नीड होती है वो रिड्यूस हो जाती है ठीक है कि वर्कर्स को खुद प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना होता है क्योंकि उन्हें क्या चाहिए होता है उन्हें रिवॉर्ड चाहिए होता है तो बिसाइड्स द पोजीशन ऑफ सुपरवाइजर चेंजेस एंड इंस्टेड ऑफ एक्टिंग एज वॉच डॉग दे टेंड टू बिकम मैनेजर्स ऑफ मशीन एंड मटीरियल है सो अ सिचुएशन विच कैन जनरेट अ स्परिट ऑफ कॉरपोरेशन बिटवीन सुपरवाइजर एंड देर सबॉर्डिनेट तो क्या इसके साथ में क्या होता है कि वो वॉच स्टॉक बनने की बजाय वो मशीन्स के मैनेजर्स बन जाते हैं और उनके बीच में क्या है एक सबॉर्डिनेट एंड सुपरवाइजर के बीच में एक अच्छी कॉरपोरेशन की फीलिंग जो है वो बन जाती है सो अगेन अंडर द इंसेंटिव प्लान एवरी मूवमेंट और यूनिट ऑफ टाइम एक्वायर वैल्यूज एंड टर्म्स ऑफ मनी देर इज ग्रेटर पंक्चुअलिटी और उनके बीच में क्या होती है एक बहुत ज़्यादा पंचुअलिटी होती है सो फर्दर इंसेंटिव प्लान जो होते हैं ह्यूमन इंजीनियरिंग मतलब अगर आपका देखें तो आपके जो इंसेंटिव प्लान है वो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा बेनिफिट्स देते हैं और काफ़ी सारी जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको रिड्यूस कर देते हैं